और पार्ट टू में आपका स्वागत है। और ये रही पार्ट टू की पहली बुक, और ये भी मैंने पिछले साल ही ली थी। ढेर सारी, इनको ज़रा बाजू हटाते हैं। और इसके बाद ये वाली आप देख सकते हो, इसमें मैंने ये कब खरीदी, 4/5/2022 मई में खरीदी थी। वो कुछ भी नहीं है क्या? नहीं है। ये चारकोल के है सब, जैसे शाहू महाराज कोल्हापुर के छत्रपति राय, मतलब राजे थे शाहू महाराज। ये रहा चारकोल प्लस मार्कर, सब यूज़ किया है हमने। ये भी देखिए, स्केच पेंस, चारकोल, एवरीथिंग। चारकोल करता था तब का है ये। पहले पहले मैं पेंसिल और चारकोल का ही ज़्यादा यूज़ करता था, ये डोंट नो कौन है, इसलिए ज़्यादातर मेरी चारकोल और चारकोल पेंसिल से बनाई हुई ड्राइंग है। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी लिखे हैं शायद, देखो। आपको करना पड़ता है प्रैक्टिस के साथ साथ, आपको लिख के पढ़ के अपने अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, और ये नोट्स आपको याद रहते हैं। और मैं जब भी अपना ड्राइंग निकालने जाता हूँ तो मुझे याद रहता है ये सब छोटी मोटी चीज़ें, जब कभी तो बनाई थी मैंने। जब ये पर्सपेक्टिव का है, बेसिक रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, वैनिशिंग पॉइंट, हॉराइजन लाइन, एवरीथिंग। ये शायद मेरे कोर्स का है, मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था तब का है। ऐसे ही करना पड़ता है आपको, आप भी करिए। और आपके भी कुछ बुक्स है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का भी आईडी कारीगर ही है। ये सब प्रैक्टिसेस हैं, देखिए। तो ऐसे है सब। और अभी मुड़ते हैं हमारे सेकंड स्केच बुक की तरफ। ये भी मुझे बहुत पसंद आती थी, रफ पेजेस 250 GSM का है। ये सब पेन से किए हुए देखे मैंने, पेंसिल मतलब स्केच पेन। ये फाइन लाइनर से बनाए हुए आर्ट है। ये भी प्रैक्टिसेस, पोस्टर्स और लाइन ड्राइंग के तरह मैंने ये बनाए थे, एक ही वन टाइम गो पे बनाए थे मैंने ये सब। अब ये रहा देखो। ये सब मेरे पेन से ही बनाए हैं ज़्यादातर, फाइन लाइनर्स से, इन वन गो। हाँ, मतलब रुकना नहीं है, देखना नहीं है गलत हो रहे सही हो रहे, पर करना है। और सुंदर आए थे, मुझे पसंद आता था लाइन मतलब पेन से ड्रॉ करना, ब्यूटीफुली, मतलब एकदम प्रिसाइज नहीं होता है, पर आपको गलती का एहसास भी हो जाता है, और आप गलती पीछे रब भी नहीं कर सकते पेंसिल की तरह। ये देखो फिगरेटिव्स है, और ये देखिए फिगरेटिव्स है, पोस्ट लाइन ऑफ एक्शन जो था, पोर्ट्रेट्स है, ये ब्लैक मार्कर से बनाया है। ऑल्सो दिस वन, दिस इज अ फील लेटर, कुछ करना चाहते हो तुम, कुछ नहीं होता ये भी। और ये पता नहीं कौन है, ये दीपिका है, मतलब निकालना चाहता था पर दीपिका नहीं है। टेरियन लैनिस्टर फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सब पिंटरेस्ट के ही मेरे, ये मेरे दोस्त के घर पे बनाया था विथ वाटर कलर एंड पेन। दिस इज ऑल्सो, दिस इज माई लाइक वन ऑफ द फेवरेट, बहुत सुंदर आया था ये वाले सब पेन से ही है। ये शायद नोटबुक पूरी मैंने पेन से ही भर दी है। और देखिए अब सब पेन से है। ये भी मुझे बहुत पसंद आता है, ये मैंने बहुत दिनों के बाद, मतलब ये बुक लेने के बाद मैंने एक 4-5 महीने के बाद चारकोल लिया था हाथ में, तब ये मैंने ड्रॉ किया था, शायद ख़त्म हो गया। ऐसी पन्ने बहुत पेजेस मतलब पड़े हैं मेरे स्केच बुक्स के,
लेट्स मूव टू अवर थर्ड स्केच बुक. दिस इज ऑल्सो गुड. दिस फिगरेटिव वाटर कलर से बनाया था, पेंसिल और वाटर कलर से. शायद फर्स्ट ही यही मुझे लगा और कुछ ये वाटर कलर से ही बना है, गलत हुआ है ये पोर्ट्रेट प्रैक्टिस. हेयर लाइन, डाउन साइड, अप साइड, फ्रंट साइड, अप लुक. प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपका भी ड्राइंग अच्छा नहीं होने वाला. कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत उतनी है. देखो पहले पहले बहुत गलत होगा, अब लगेगा इट्स गोइंग आउट ऑफ, दिस इज माई सिस्टर्स, दिस इज नॉट माइन. आपको लगेगा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है, आँख बड़ी, नाक छोटी, ओट बड़े, सब होगा. पर जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक मिस्टेक करोगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझेगा कि हम कहाँ गलत हो रहे. इसलिए हम तो हमको कर कर मतलब करते रहना है. ये मेरे गार्डन का है, ये मेरे बालकनी से दिखता है वो घर है. ये नहीं कहीं कहीं भी नहीं दिखता है, पर ये इंटरनेट पे दिखता है. ये वाटर कलर के है सब. ये भी जिराफ वाटर कलर. दिस आल्सो, दिस वन आल्सो, दिस वन. देखो गलतियां तो सब में होती, गलतियों के बिना इंसान इंसान नहीं होता. इसलिए गलतियां करो, उससे सीखो, और मतलब वो गलतियां मत दोहराओ, अलग अलग गलतियां करो और अच्छा बन जाएगा आपका कभी ना कभी तो ड्राइंग, पेंटिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू. देखो ये इधर हमारा ये पेस्टल से किया है, पेस्टल. और इसके बाद कुछ है, कुछ नहीं है. लेट्स मूव टू अनदर बुक. और ये जो स्केचबुक है ना, ये खुद मैंने मतलब मेरे जो वाटर कलर के पेजेस होते थे ना, वो पीछे से यूज नहीं होते थे. सो मैंने सोचा कि इनको जो गलत गलत जो पेंटिंग्स हुआ है उनको फाड़ के छोटा सा बना के हम इनको मस्त से एक स्केचबुक बना सकते हैं. ऐसे दो बनाए थे मैंने आगे और है. ये छोटी भी, ओ ये न्यूड्स के लिए बनाई थी, न्यूड्स फिगरेटिव. ये पेन से मैंने डायरेक्ट किए थे विदाउट एनी मेजरमेंट. व्हाट यू सी यू ड्रॉ. और मतलब पेंसिल का भी यूज़ है थोड़ा थोड़ा बीच में, इसमें जहाँ शेडिंग की ज़रूरत है, जहाँ डार्कर पोर्शंस है. सब फीमेल फिगरेटिव्स है, सब फिगरेटिव्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज फेस का जितना आँख नाक कान गला हो गया, पर फिगरेटिव्स में आपको सब देखना पड़ता है कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ बाउंस होगी, कहाँ शेडो होगा. वैल्यूज़ बहुत ध्यान में रखने पड़ते हैं. इसलिए फिगरेटिव करना उतना ही आसान मतलब मुश्किल है और उतना ही आसान है अगर आप सीख गए तो. ये मैंने खास फिगरेटिव और न्यूड आर्ट के लिए रखी है, पर अभी तो मतलब अभी बहुत दिनों की बात नहीं किया है मैंने. ये वाले बोल रहा था सेम, दिस इज ऑल्सो द सेम. और इसके बाद आती है ये, दिस इज वेरी क्यूट नोटबुक, स्केचबुक एक्चुअली. ये देखो 5 अक्टूबर 2022 को किया था, कॉफ़ी का कप. और यहाँ मैंने पेन रेड पेन से और ऑरेंज पेन से जो धमाल की है, आप देखते रहोगे कि कितना सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट आया है. ये छोड़ो ये गलत आया है, पर बाकी देखो आप बहुत सुंदर आया है. ये भी गलत, ये दिस वन स्पेशली आई लव्ड इट. ये बीच में फूल कहाँ से आ गया, ओ सॉरी इस पे इसके ही पेजेस है. हाँ देखिए पिंटरेस्ट का ही है, बट ब्यूटीफुल. नुसरत फ़तेह अली खान इज माई लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, गज़ल. देखो और रेड और ऑरेंज से जो मज़ा आया था मुझे वैल्यूज दिखाने में इसमें, वाह. मतलब आप देखो, अब अगर सच में अगर इधर होते और हाथ में लेकर देखते तो आपको मतलब बहुत ही पसंद आती है, बेहद ही पसंद आती है. मतलब
इतना हसीन एक एक पोर्ट्रेट बनाया मैंने इसमें रेड और ऑरेंज से. मुझे बहुत मतलब आई लाइक दिस स्केच बुक लाइक वेरी मच. आई लव दिस स्केच बुक. एक्सप्रेसिव बनाया है. आई हैव ट्राइड मैनी थिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचिंग. और देख सकते हो ये ग्रीन और मतलब बीच में थोड़ा सा होता है ना, आप पॉटी कर देते हो, गलत गलत कर देते हो आप, वैसे रेड ऑरेंज के साथ मैंने ये मजा किया. और ऐसे ही पोर्ट्रेट आपको और भी देखने मिलेंगे, मेरी और भी स्केच बुक्स है, फिर कभी खोलेंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर. मिलते हैं अभी, बाय.